हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज में इंडियन पॉलिटी के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो हमारे पंजाब सिविल सर्विसेज के साथ साथ बाकी जो पीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जब पंजाब सक्सेस मंत्रा की शुरुआत हुई थी तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरीके से अलग अलग तरह से जो है वो स्टूडेंट्स की मदद की जाए, और जो अलग अलग इनिशिएटिव्स पंजाब सक्सेस मंत्रा के द्वारा आप सब लोगों के लिए शुरू किए गए हैं, तो आप लोग देखते हो कि इसमें ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट, चाहे मेन्स करंट अफेयर की बात की जाए, प्रीलिम्स करंट अफेयर की बात की जाए जो कि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैगजीन्स की बात की जाए, उसके साथ साथ पंजाब जीके की बात की जाए, रिवीजन सीरीज की बात की जाए जो स्पेसिफिक टाइम पे सुबह 8 बजे जो है वो शुरू हुई है, और साथ में जो पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम को कैसे हम लोगों ने अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे के सारे डिस्कशन जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। तो होपफुली हमारा जो इनिशिएटिव्स हैं वो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट साबित या काफी बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पॉलिटी जो है वो काफी डायनेमिक सब्जेक्ट है, यानी कि बहुत सारी न्यूज जो है हम लोगों को करंट अफेयर के अंदर देखने को मिलती है, और यहां पे बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे स्टैटिक रहेंगे, और 3-4 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के करंट ओरिएंटेड रहेंगे, जो न्यूज़पेपर के अंदर आए हैं वहीं से जो उन क्वेश्चंस को बनाया गया है, तो वो थोड़े से आप लोगों के लिए अनयूजुअल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो हमारे सेशंस हैं इन सेशंस में आप लोग जो आपके वीक एरियाज हैं उनको आप लोग आइडेंटिफाई करोगे, आप देखोगे कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे थे जो आपको बिल्कुल नहीं पता थे, जिन टॉपिक से क्वेश्चन को आप लोगों ने गलत किया है आज के सेशन में करोगे उनको अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करोगे, और जब रिवीजन करोगे पॉलिटी का तो उन टॉपिक्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस दोगे, ताकि वो टॉपिक अगर हमें फाइनल एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो हम लोग वो गलती दोबारा ना करें। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहां से रिफ्लेक्ट होता है। पहला है प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, दूसरा है प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी, तीसरा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी, चौथा फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर? तो जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए। क्लियर? फिर हम लोग जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। वैसे ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल जो है वो हम लोग इंक्रीज होता हुआ देखेंगे, लेकिन जिसको पता नहीं है उसके लिए तो ऑब्वियस ही बात है ये क्वेश्चन जो है वो काफी मुश्किल है। तो देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका जो आंसर है वो डी है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। देखिए हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्लियर, हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इथॉस के ऊपर हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, और वो रिफ्लेक्ट होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर? तो देखिए वैसे प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज या प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी क्यों नहीं है, क्योंकि प्रीएम्बल के अंदर नो डाउट उन वैल्यूज की, उन प्रिंसिपल्स की बात की गई है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉलो किया है या जिसको अचीव करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो रियल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है वो इसी कॉम्बिनेशन में देखने को मिलती है। वो कॉम्बिनेशन क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो जब मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूं तो ये सोशल जस्टिस, सॉरी ये पॉलिटिकल जस्टिस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और जब मैं डीपीएसपी की बात करता हूं तो ये सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस जो है, स्पेसिफिकली सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसको एंश्योर करने की कोशिश की जाती है। क्लियर? तो बेसिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस है वो कहां से रिफ्लेक्ट होती है, वो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी से रिफ्लेक्ट होती है। अब सवाल आएगा कि जो स्टेटमेंट थी, लाइन थी, ये किसके द्वारा दी गई थी? एक अमेरिकन जिनका नाम था ग्रैनविले ऑस्टिन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो इनकी बहुत ज्यादा कमेंट्री है, बहुत ज्यादा इन्होंने लिखा है भारतीय संविधान के ऊपर, और यही रीजन है 2011 में जो जी ऑस्टिन है इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। क्लियर? जी ऑस्टिन ही थे जिन्होंने जो है वो ये स्पेसिफिक टर्म या स्पेसिफिक लाइन जो है वो दी थी कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर द कॉन्शियंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो और जब मैं पीसीएस एग्जाम की स्पेसिफिकली बात करता हूं तो हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि काफी बार इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि एक स्पेसिफिक लाइन दी जाएगी कि ये लाइन जो है वो किसके द्वारा दी गई है, तो आप लोग जो है वो यहां पे इसको भी ध्यान रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुश्किल सवाल तो नहीं है, लेकिन अगर नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा सीरियसली आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो शायद इस क्वेश्चन को जो है वो आप लोग सही नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नीति आयोग्स गवर्निंग काउंसिल। क्लियर? इट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इट इज चेयर्ड बाय द पीएम या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट प्रेजेंट ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस इंटर सेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल एंड फेडरल इश्यूज। क्लियर? तो तीन स्टेटमेंट जो आप सब लोगों के सामने है, जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए कि क्या आंसर जो है वो आप लोगों का सही रहेगा।
तो तीन स्टेटमेंट्स हैं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से अपना आंसर जो है वो सोचिए। कि वैसे इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी कंसेप्ट पता होगा अगर आप लोगों को नीति आयोग का, शायद आपको पता होगा नीति आयोग की फॉर्मेशन 2015 में की गई। इससे पहले प्लानिंग कमीशन पूरे देश के लिए 5 ईयर प्लान बनाया करता था, उसको डिसकंटिन्यू करके ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना। प्लानिंग कमीशन को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, जहां पे सेंटर पूरे देश के लिए जो है वो प्लान बना रहा है। नीति आयोग को थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया, इसको एक थिंक टैंक के रूप में प्रेजेंट किया गया, और उसके साथ साथ यहां पे जितने भी स्टेट्स हैं उन सारी की सारी स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिली गवर्निंग काउंसिल में। क्लियर? तो नीति आयोग जो है उसमें चाहे मैं इंटर सेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल या फेडरल इश्यूज के डिस्कशन की बात करूं तो वो भी रहता है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। इसको जो चेयर किया जाता है गवर्निंग काउंसिल को या नीति आयोग को, वो पीएम के द्वारा ही किया जाता है, और जो इसकी गवर्निंग काउंसिल है उसमें चीफ मिनिस्टर और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उसके मेंबर रहते हैं। तो यहां पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर? कहानी यहां तक समझ आ रही है? तो सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता ही दिया। क्लियर? चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के ऊपर आधारित है, और ये स्कीम जो है वो वैसे तो 5-7 साल इस स्कीम को हो गए हैं, लेकिन न्यूज के अंदर जो हम लोगों को काफी देखने को मिलती है, अभी रिसेंटली भी न्यूज में थी जिसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो करंट एलिमेंट भी आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ जो है वो स्टैटिक एलिमेंट यानी कि स्कीम की लॉन्चिंग, स्कीम का ऑब्जेक्टिव, स्कीम के फीचर्स, वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम के ऊपर है। फर्स्ट इज इट इज इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट्स विद 100% सेंट्रल असिस्टेंस। द प्रोग्राम इज नाउ एक्सटेंडेड टू ऑल द इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स। अंडर दिस स्कीम देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नन ऑफ द अबव। तो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है यहां पे आइडेंटिफाई करनी थी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों की गलत है। क्लियर? हो सकता है तीनों स्टेटमेंट सही हो, तो अगर तीनों स्टेटमेंट सही होंगी तो ऑब्वियसली बात है आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी बनेगा। क्लियर? तो तीन स्टेटमेंट्स हैं, जल्दी से बताइए। शाबाश, देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, क्योंकि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही हैं। अगर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की बात करूंगा, 2015 में हरियाणा से इस स्पेसिफिक स्कीम की शुरुआत की गई थी। पहले कुछ कम डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया था, धीरे 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 जो है वो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्रीज किया गया। अभी रिसेंटली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की जहां पे उसने कहा कि वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो स्पेसिफिक स्कीम को एक्सटेंड करने जा रही है। तो यही कारण है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इस स्कीम को जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो पूरे का पूरा पैसा जो है वो सेंटर की तरफ से आता है, और उसके साथ साथ इस स्कीम में जो पैसा जाएगा वो डीबीटी के थ्रू नहीं है, तो डीबीटी का प्रोविजन स्पेसिफिक स्कीम में हमें देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो वो सही है। इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोग देख रहे थे कि हमारे देश के अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो, एक तो सेक्स रेशियो है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उस रेशियो को जो है वो हम लोग निकालते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो में देखा जाता है 0 से 6 साल के बीच के बच्चे, क्लियर, उनमें कितने लड़के पैदा हो रहे हैं कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं। तो हमारे देश के अंदर जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो एक बहुत अलार्मिंग साइन है जो हम लोगों को थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिलता है। यही कारण है इस स्पेसिफिक स्कीम को लॉन्च किया गया था, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया एक ऐसी स्टेट से जहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो है जो है वो स्टेट वाइज सबसे कम था, दैट इज हरियाणा। क्लियर? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। पहला है, ही शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। यानी कि अगर मान लीजिए लोकसभा की मेंबरशिप उसकी खत्म हो जाती है तो उसको अपनी पोस्ट जो भी स्पीकर बना होगा छोड़नी पड़ेगी। सेकेंड है, व्हेनेवर द लोकसभा इज डिसॉल्वड द स्पीकर वैकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली। जैसे लोकसभा डिसॉल्व होती है आप सब लोगों को पता ही है, 5 साल जब होने वाले होते हैं लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, फिर से लोकसभा के जो भी इलेक्शन होते हैं। क्लियर? यही कारण है लोकसभा को हम लोग परमानेंट हाउस नहीं कहते हैं, जैसे राज्यसभा को कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा में कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होती। राज्यसभा में हर 3-3 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रीइलेक्ट होते रहते हैं, या रीइलेक्ट नहीं मतलब 1/3 जो सीट्स हैं वो भर्ती रहती हैं। क्लियर? तो दो स्टेटमेंट जो है वो आप सब लोगों के सामने हैं, तो जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखिए पहला जो है, ही शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि स्पीकर जो है ना, जैसे मिनिस्टर तो कोई भी बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, 6 महीने का टाइम मिलता है उसको किसी हाउस का मेंबर बनना होता है, लेकिन स्पीकर जो है वो हाउस का मेंबर होना चाहिए।
जैसे ही किसी की हाउस की मेंबरशिप जो वो खत्म होगी, मान लीजिए उसको निकाल दिया गया या उसने रिजाइन कर दिया, तो स्पीकर की जो पोस्ट है उसको इमीडिएटली वैकेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसा इंडिविजुअल जो हाउस का लोकसभा का मेंबर नहीं है वो लोकसभा का स्पीकर नहीं बन सकता है। तो यही कारण है पहली स्टेटमेंट सही है। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, वो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि जो स्पीकर का ऑफिस है वो तब तक कंटिन्यू करता है जब तक लोकसभा के फिर से इलेक्शन नहीं हो जाते। क्लियर? तो ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए लोकसभा 14th लोकसभा डिसॉल्व हुई, तो जब 15th लोकसभा के इलेक्शन खत्म हो गए और जिस दिन उनकी मीटिंग होनी शुरू होनी थी, ठीक है, जिस दिन उन्होंने मिलना है, तब तक स्पीकर की पोस्ट जो है वो रहती है, उसको सारे जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं स्पीकर की पोस्ट के वो मिलते रहते हैं जब तक नई लोकसभा पहले दिन नहीं बैठती। और जैसे वो बैठेगी तो पुराना स्पीकर गया और नया प्रोटम स्पीकर आएगा, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा, वो प्रोटम स्पीकर ओथ दिलवाएगा और उसके बाद नए स्पीकर के लिए इलेक्शंस करवाएगा। क्लियर? तो इमीडिएटली जो है वो नहीं, उसका ऑफिस उसको वेकेट करना पड़ता है। उसका ऑफिस तब तक चलता रहता है जब तक जो है वो नया हाउस इलेक्ट होके नहीं आता है। क्लियर? अब यहाँ पे पहली लाइन से थोड़ा सा आप लोगों को डिस्प्यूटेबल लग रहा होगा कि जी पहले तो कहा आपने कि मेंबर नहीं है तो नहीं बन सकता है, तो यहाँ पे तो हाउस ही डिसॉल्व हो गया तो वो मेंबर कैसा है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, संविधान में लिखा हुआ है कि स्पीकर हमेशा हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ए, दैट इज वन ओनली। क्लियर? देखिए तो 94 जो बी है वो यही कहता है कि द स्पीकर रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। क्लियर? अगर उसने अपना ऑफिस जो वो वेकेट करना है तो कैसे करेगा? अगर वो उसकी मेंबरशिप लोकसभा की खत्म हो जाती है, वो डिप्टी स्पीकर को जो है वो रिजाइन कर देता है, या उसको जो है वो हाउस से रिमूव कर दिया जाता है, तो स्पेसिफिक सिचुएशन में उसको अपनी पोजीशन जो वो वैकेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं आएगी तब तक स्पीकर की पोस्ट जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए 5 साल जो है वो जुलाई में पूरे होने हैं, तो लोकसभा के इलेक्शन उनसे 2-3-4 महीने पहले हो जाते हैं, ताकि जब तक वो 5 साल उसके कंप्लीट हो तब तक हमारी नई सरकार जो है वो इलेक्ट होके आ जाए। क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पांचवा सवाल है, विद रेफरेंस टू सीबीसी दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एग्जाम में या करंट न्यूज़पेपर के अंदर जब वो सीबीसी के ऊपर, आजकल ईडी सीबीसी इनके ऊपर जब वो काफी न्यूज हम लोगों को देखने को मिल रही है, तो पहला है इट वॉज गिवन स्टेटूटरी स्टेटस, यानी कि कानून इसके लिए पास किया गया, वाई एन एनेक्टमेंट ऑफ सीबीसी एक्ट 2003। दूसरा है आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सीबीसी एक्ट 2003 द कमीशन बिकम ए सिंगल मेंबर बॉडी, यानी कि इसमें एक ही है, जैसे इलेक्शन कमीशन है तो इलेक्शन कमीशन तो सिंगल मेंबर बॉडी नहीं है ना, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन आता है और दो उसमें इलेक्शन कमीशन आते हैं। क्लियर? तो उसी तर्ज के ऊपर जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो जल्दी से बताइए कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, सही है, उसी तरीके से जो है वो आप लोगों को करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। 4 स्टेटमेंट जो है वो आप सब लोगों के सामने है, तो जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए कि कौन सी जो आंसर है या कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके अकॉर्डिंगली सही बनेगी। देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरे में क्या था कि ये सिंगल मेंबर बॉडी नहीं बनी थी, ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई थी जिसमें एक इसका हेड होगा और दो जो है इसके विजिलेंट कमिश्नर होंगे। क्लियर? तो यही कारण है इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा वन ओनली। तो देखिए अगर मैं बात करूंगा वैसे सीबीसी की, चीफ विजिलेंस कमीशन की, तो पहले ये स्टेट्यूटरी नहीं होता था, यानी कि पहले इसको एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाया गया था। स्टेट्यूटरी बैकिंग जो है या पार्लियामेंट ने जो इसके लिए कानून पास किया वो 2003 में किया, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है वो 1964 में हो चुकी थी। क्लियर? 1964 में हो चुकी थी आफ्टर दी रिकमेंडेशन ऑफ संथनाम कमेटी। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए, काफी बार जो इसके ऊपर जो सवाल पूछा जाता है, तो सीबीसी एक्ट 2003 जो है वो पास हुआ, जिसके बाद जो है वो इसको ऑटोनोमस, जिसके बाद इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया गया। क्लियर? जितने भी करप्शन रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनकी छानबीन करना जो है वो सीबीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है उसकी जिम्मेवारी रहती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। अगेन अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उसने 7 नई डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की है, तो डिस्ट्रिक्ट की जो क्रिएशन होती है, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है कि देखिए स्टेट्स बननी है, नई स्टेट्स बननी है या पुरानी स्टेट्स के एरियाज को तोड़ के नई स्टेट में डालना है, तो इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 दिया गया है, ठीक है, वो प्रोविजन तो मेंशन्ड है, लेकिन सवाल आता है कि जब डिस्ट्रिक्ट्स की फॉर्मेशन होनी होती है तो वो कैसे रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला है द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और ऑल्टर और एबॉलिश एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर? कि नई डिस्ट्रिक्ट बनानी है, पुरानी को कैंसिल करना है, ये सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। द सेंटर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल
टू प्ले इन दी ऑल्टरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट और क्रिएशन ऑफ न्यू वंस. क्लियर कि सेंटर का भी यहां पे मंजूरी होती है. इस स्टेटमेंट का मतलब यह है परमिशन ऑफ सेंटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट और रेलवे स्टेशन. क्लियर. तो तीसरी स्टेटमेंट आ गई. चौथा आ गया नन ऑफ द अबव. यानी कि अगर आपको लगता है कि जी कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है या कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो आप जो है वो अपना आंसर डी मार्क कर सकते हो. क्लियर. देखो जो तीसरी स्टेटमेंट है ना, जब भी नाम चेंज करना होता है रेलवे स्टेशन का या किसी डिस्ट्रिक्ट का तो सेंटर को भेजना पड़ता है क्योंकि सेंटर में मैप वगैरह आ गया सारा. क्लियर. उसके बाद जो भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है सेंटर मिनिस्ट्री से, फिर जाके जो है आप नाम को चेंज कर सकते हो. क्लियर. इसलिए डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है. क्लियर. तो जो ये वाली स्टेटमेंट है ये गलत है. सेंटर जो है वो क्रिएशन और एबॉलिशन में कोई रोल प्ले नहीं करता. सारे का सारा जो अधिकार है कि कितनी स्टेट्स बनानी, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स बनानी है एक स्टेट के अंदर, वो सारे का सारा जो पावर या अधिकार है वो किसको दिया गया है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है. तो जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही है. तो यही कारण है कि आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए. ए इज द करेक्ट आंसर. कहानी समझ आ गई सब लोगों को यहां तक. क्लियर. चलो सेवंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. In context of interstate trade and commerce in India, which of the following statements is not correct? ठीक है, आप लोगों को शायद पता होगा part 13 of the constitution है जहां पे interstate trade के बारे में जिक्र किया गया है, specifically article 301 से लेके 307 के बीच में. तो उसी के ऊपर जो एक पूरा question जो है वो ये based है. Question है, constitutionally trade, commerce and intercourse throughout India shall be free. As an exception, reasonable restrictions could be applied. Any bill for the purpose of restriction need prior assent of the president. Any restriction on trade and commerce could be legislated by the parliament only. Clear? तो चार स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने हैं. तो जल्दी से जो है वो अपना आंसर जो है वो मार्क करिए कि क्या आंसर जो है वो आप लोगों का सही रहेगा. क्लियर. आप लोगों ने क्या निकालना है, इज नॉट करेक्ट, गलत स्टेटमेंट जो है आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है. तो देखिए पहला बिल्कुल सही है, 301 आर्टिकल को अगर मैं पढ़ूंगा तो यही लाइन लिखा गया है. दूसरा बिल्कुल सही है कि अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो तो लगाई जा सकती है रिस्ट्रिक्शन. सेंटर भी लगा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लगा सकता है, और उसके लिए पहले प्रेसिडेंट के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है. तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है. लेकिन ये जो लिखा है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा लगाई जाती है, ये गलत स्टेटमेंट है. पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी डी आएगी. तो यही कारण है कि जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी. डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. कहानी समझ आ गया. तो पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है 301 से लेकर 307 के बीच में, ट्रेड, इंटरकोर्स, कॉमर्स, इसके बारे में जो है वो मेंशन किया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया. पहला है, दे आर एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरनर्स, दे आर नॉन जस्टिशियबल, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर देयर एनफोर्समेंट. क्लियर. तो तीन स्टेटमेंट्स, आसान सवाल है. अगर आप लोगों को बेसिक जो कंसेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज का वो पता है तो आप इसको बहुत आसानी से कवर कर पाओगे. क्लियर. तो देखिए ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. ये बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली नॉन जस्टिशियबल नहीं है, बट पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. क्लियर. तो दूसरा और तीसरी स्टेटमेंट आपकी सही है. आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा सी. क्लियर. चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विद रेफरेंस टू स्टेट फाइनेंस कमीशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एनुअली बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट. इट एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज. इट रिव्यूज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट्स इन द स्टेट कंसर्न्ड. क्लियर. तो देखिए अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो उसका काम तो यही है ना, फाइनेंशियल पोजीशन देखना और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो पंचायत है चाहे म्यूनिसिपैलिटी है, कितना पैसा जो उनको दिया जाए. जो पहला है वो इसलिए गलत है क्योंकि ये एनुअली नहीं जो है कॉन्स्टिट्यूट होता, ये 5 years के लिए कॉन्स्टिट्यूट होता है. यही कारण है फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो आपकी गलत है. और इसका आंसर भी आपका क्या बनेगा, सी बनेगा, यानी कि 2 and 3 ओनली. क्लियर. चलो डन. लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा. लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला, ए नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन इन द लोकसभा, कि जी क्यों आया वो तो रीजन देना पड़ेगा लोकसभा के अंदर. दूसरा है, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर. इफ इट इज पास इन द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस. तो तीन स्टेटमेंट्स है आप सब लोगों के सामने.
तो आप लोगों ने यहां पे ढूंढना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, के लिए गलत स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, उनके बेसिस के ऊपर जो अपना आंसर मार्क करना है। क्लियर? तो देखिए पहला गलत है, कोई फाइल कोई जरूरत नहीं है रीजन देने की कि क्यों इसको लेके आ रहे हो। दूसरा भी गलत है क्योंकि ये सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही आएगा, नो कॉन्फिडेंस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉट इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, उसके खिलाफ अलग मोशंस रहते हैं। अगर ये पास हो गया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, अगर ये पास हो गया तो ऑब्वियस बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम उनको रिजाइन देना पड़ेगा अपनी पोजीशन से। तो आंसर जो है वो हमारा 1 और 2 बनेगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोगों से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में पूछा गया है। क्लियर? तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट सवाल। होपफुली आप लोग जो हैं वो इन इनिशिएटिव्स का बेनिफिट आप लोग उठा रहे होंगे, और जल्दी से जो है वो अगर आप इसको रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो इसका जो है वो कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सही हैं वो चैट बॉक्स या कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए। और इसी के साथ जो है वो हम लोग आज के सेशन को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।